हेलो एंड वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इकोनॉमिक्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का इकोनॉमिक्स। सो अगर हम बात करें सीबीएसई सिलेबस की, तो इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक पार्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। सो अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करते हैं जो एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में रह रही होती है, जबकि स्टैटिस्टिक्स में हम एक न्यूमेरिक डेटा कलेक्ट करते हैं, मतलब वो डेटा जो नंबर्स की फॉर्म्स में होता है, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट्स को। सो इन दोनों के बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे हम ऑन लेटर स्टेज, बट उससे पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स क्या होती है। सो आइए स्टार्ट करते हैं विद स्टडिंग इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने से पहले कुछ दो चार कंसेप्ट्स हैं जो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, जिससे इकोनॉमिक्स क्या होता है ये आपके माइंड में क्लियर होगा। सो सबसे पहले आते हैं टाइप ऑफ गुड्स। तो गुड्स बेसिकली एक इकोनॉमी में दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो हो सकते हैं इकोनॉमिक गुड्स या फिर अगर हम बात करें इकोनॉमिक गुड्स की, तो इकोनॉमिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो स्कैर्स होते हैं। स्कैर्स का मतलब होता है जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, कि हमें चाहिए ज़्यादा और हमारे पास होता है कम, और उसके लिए एक पर्टिकुलर प्राइस होता है जो हमें देना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट दोज गुड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ टी शर्ट्स की, ऑयल, पेंस, बुक्स एट्सेट्रा, सो ये सारे हैं इकोनॉमिक गुड। इनकी डिमांड हमेशा ज़्यादा होती है और सप्लाई कंपैरेटिवली कम होती है, और इनके लिए हमें एक प्राइस पे करना पड़ता है। तो ये होते हैं इकोनॉमिक गुड्स। और अगर हम बात करें नॉन इकोनॉमिक गुड्स की, तो ये वो गुड्स होते हैं विच आर अवेलेबल इन प्लेंटी, मतलब इनकी कोई कमी नहीं होती और इनके लिए हमें कोई प्राइस पे नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल सनशाइन, रेन्स एट्सेट्रा, ये वो गुड्स हैं जिनकी कोई कमी नहीं है और इनके लिए हमें कोई प्राइस पे नहीं करना पड़ता। अब इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो देखिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो हम अपने मन से करते हैं, इधर टू सेटिस्फाई सम सोशल नीड और सम फिलेंथ्रोफिक नीड, और इनके लिए हमें कुछ पे बैक नहीं मिलता है। ऑलराइट, सो इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, सोशल एक्टिविटीज, पेरेंटल एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज और इसी तरह की बाकी सारी एक्टिविटीज़ हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड करते हैं। सो देखिए सोशल एक्टिविटीज़ मतलब वो एक्टिविटीज़ जो हम सोशल वेलफेयर के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्री प्लांट करते हैं तो उससे पूरी सोसाइटी का बेनिफिट होगा। ऑलराइट, कि उससे निकलने जो पेड़ से मिलने वाली जो भी हवा होगी वो पूरी सोसाइटी को बेनिफिट देगी, तो उसके लिए लेकिन हमें कुछ पे बैक नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर पेरेंटल एक्टिविटी है कोई, कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उनके लिए स्पेंडिंग करते हैं, लेकिन उनके बदले में उनको कुछ नहीं मिलता है। ऑलराइट, सो वो भी हम इंक्लूड करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर। द नेक्स्ट आर रिलीजियस एक्टिविटीज़, कि हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, या फिर कहीं और रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं, वहाँ पे किसी तरह का खर्चा करते हैं या फिर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे गुरुद्वारे में आपने देखा होगा कि लंगर कराया जाता है, जहाँ पर सब लोग वॉलेंटियर्स की तरह एक्ट करते हैं और अपने काम करने के लिए वो किसी भी तरह की इनकम अर्न नहीं करते हैं। तो ये सब होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब हम अगर बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, तो देखिए इसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। सो ये सारी होती हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसमें सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन मींस कि जब हम किसी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उसको किसी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो वो होता है प्रोडक्शन। और कंजम्पशन होता है वो एक्टिविटी जिसमें हम उन फिनिश गुड्स को कंज्यूम करते हैं इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई आवर वांट्स। देन अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की,
तो इन्वेस्टमेंट में हम अपने कैपिटल असेट्स को फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया इन ऑर्डर टू गेट समथिंग बैक, सो वो गई इन्वेस्टमेंट. एक्सचेंजेस के अंदर हम इंक्लूड करते हैं कि अगर हम किसी भी तरह का एक्सचेंज करते हैं कि हम एक कॉमोडिटी प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में दूसरी कॉमोडिटी रिसीव करते हैं, तो दैट इज एक्सचेंज. एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज कि अगर हमारे पास किसी भी तरह की कोई वेल्थ है या फिर किसी भी तरह का कोई गुड्स है, हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसके बदले में हम कुछ इनकम रिसीव करते हैं, तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखिए, जैसा कि आपको वर्ड में भी दिखेगा कि दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड दीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको तो हम इकोनॉमिक्स में इंक्लूड ही नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि इसके नाम में ही नॉन इकोनॉमिक है, कि मतलब इकोनॉमिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है. तो बचा क्या? ये पांचों. देखिए, जब भी हम कभी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंजेस और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड किसी भी कंसेप्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स इज वॉट? इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ स्टडी विच स्टडीज अबाउट द प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. ऑलराइट, सो ये होती है इकोनॉमिक्स की, जब हम इन पांचों में से किसी के बारे में भी स्टडी करते हैं. अब देखिए, अगर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है और उनका जो रेफरेंस था वो भी काफ़ी डिफरेंट था. तो अब हम स्टडी करते हैं फोर वेज ऑफ डिफाइनिंग इकोनॉमिक्स, कि किस तरह से चार अलग अलग इकोनॉमिस्ट्स ने डिफाइन किया है इकोनॉमिक्स को. सो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से वे हैं. सो यहाँ पर जो हम डेफिनेशन सबसे पहले स्टडी करेंगे वो करेंगे बाय प्रोफेसर एडम स्मिथ. सो सबसे पहले प्रोफेसर एडम स्मिथ ने ही इकोनॉमिक्स को स्टडी करना स्टार्ट किया था और इन्होंने ही बोला था कि इकोनॉमिक्स जैसी भी कोई स्टडी हो सकती है, इकोनॉमिक्स जैसी भी कोई ब्रांच ऑफ स्टडी पॉसिबल है जिसमें हम एक इकोनॉमी की यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं. सो यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा डेफिनेशन जो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने दी थी. तो देखिए, इस डेफिनेशन को देख के काफ़ी ही क्लियर होगा आपको कि ये वेल्थ डेफिनेशन है, कि इसमें पूरा जो स्ट्रेस है वो वेल्थ के ऊपर दिया हुआ है. कि किस तरह से प्रोफेसर एडम स्मिथ बोलते हैं कि एक इकोनॉमी या फिर एक इकोनॉमिक्स की स्टडी क्या होती है, जहाँ पर हम वेल्थ में चेंज को स्टडी करते हैं. ऑलराइट, वही होती है इकोनॉमिक्स. सो ये थी वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय प्रोफेसर एडम स्मिथ. सो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की वो दी थी प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने, और इसमें जो प्रोफेसर एडम स्मिथ की डेफिनेशन थी जिसमें सिर्फ वेल्थ के ऊपर स्ट्रेस दिया गया था, प्रोफेसर मार्शल ने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स की स्टडी का मतलब सिर्फ वेल्थ की स्टडी करना नहीं होता. इसमें क्या मतलब हम देखते हैं कि उस वेल्थ के चेंज होने से किस तरह से ह्यूमन वेलफेयर पे इफेक्ट होता है, कि ह्यूमन वेलफेयर बढ़ता है या फिर ह्यूमन वेलफेयर कम होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इकोनॉमी में वॉर की सिचुएशन है तो वहाँ पर गन्स, टैंक्स और ऐसे काफ़ी सारे डिस्ट्रक्टिव चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो उससे वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन तो काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा, लेकिन क्या वेलफेयर होगा? नहीं होगा. तो प्रोफेसर मार्शल बोलते हैं कि जो वेल्थ में चेंज होता है उससे वेलफेयर पे इफेक्ट होता है या नहीं होता है, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स. अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की वो है प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स के द्वारा, और इन्होंने क्या बोला कि एक इकोनॉमिक्स की स्टडी हम क्यों करते हैं, उसका बेसिक रीज़न जो होता है वो होता है स्कैसिटी, कि हर एक रिसोर्स क्या है, स्कैर्स होता है, कि उसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, और एक इकोनॉमी को किस तरह से सभी इंडिविजुअल की नीड्स को फुलफिल करना है आउट ऑफ दिस लिमिटेड रिसोर्सेज, इसी की स्टडी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स. तो ये थी स्कार्सिटी डेफिनेशन बाय प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स. अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की वो है ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जो दी थी प्रोफेसर सैमुएलसन ने. सो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने प्रोफेसर एडम स्मिथ, मार्शल्स और रॉबिन्स की जो भी थ्योरी थी उन तीनों थ्योरी को एडअप किया और एक नई डेफिनेशन बनाई. उन्होंने क्या कहा कि एक इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज काफ़ी स्कैर्स होते हैं, उन स्कैर रिसोर्सेज से जब वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन से क्या ग्रोथ हो रही है या फिर ग्रोथ नहीं हो रही है. तो
तो ये बोला प्रोफेसर सैमुएलसन ने. उन्होंने क्या किया, तीनों डेफिनेशंस को मिला के एक डेफिनेशन बनाई, और इसीलिए जो जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की वो प्रोफेसर सैमुएलसन की ही है. ऑलराइट, लेकिन क्योंकि हम प्रोफेसर एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, तो जब भी आप इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे एग्जाम्स में, तो आप प्रोफेसर एडम स्मिथ की डेफिनेशन लिखना ही प्रेफर कीजिएगा. उसी से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं. सो अब हम स्टार्ट करते हैं विद इकोनॉमिक्स एज अ साइंस और एन आर्ट. सो अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है या फिर आर्ट है. तो देखिए, पहले हम देखते हैं कि साइंस के क्या क्या फीचर्स होते हैं. तो अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर पूरी साइंस बेस्ड होती है. फॉर एग्जांपल, आपने साइंस में पहले पढ़ा होगा कि जो ग्रेविटेशनल प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हम हवा में उसको स्विंग करते हैं तो वो नीचे ज़मीन की तरफ ही आती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो वो क्या है, वो एक प्रिंसिपल है और वो हर जगह एप्लीकेबल भी होता है. तो इसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी हम काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं जो हर जगह पर अलग अलग तरह से एप्लीकेबल होता है. इसी के साथ साथ साइंस के जितने भी प्रिंसिपल हैं वो रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं और हम इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं. सेम गोज़ विद इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद हमें कोई एक प्रिंसिपल मिलता है और हम उस प्रिंसिपल को वेरीफाई भी कर सकते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस होती है. अब हम बात करते हैं आर्ट की. तो आर्ट के अंदर क्या होता है कि हम एक सिस्टमैटिक नॉलेज को यूज़ करके कुछ एक काम करते हैं. ऑलराइट, सो देखिए, जिस तरह से एक आर्टिस्ट होता है जो पेंटिंग्स बनाता है, तो वो अपनी सिस्टमैटिक नॉलेज को यूज़ करके कि ब्रशेस को किस तरह से यूज़ करना है, कौन से पेपर पे किस तरह के कलर्स यूज़ करने हैं, ये नॉलेज को यूज़ करके वो कुछ काम करता है. इसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी हम क्या करते हैं कि कुछ एक पर्टिकुलर वेज होते हैं हमारे पास, उनको यूज़ करके हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इकोनॉमी में रह रहे लोग क्या चाहते हैं, वो कहाँ पर इक्विलिब्रियम पे होते हैं, एक कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है, और इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं. तो हम ये डिस्कशन करने के बाद बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स साइंस भी है और इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है. अब अगर बात करें साइंस की, तो इकोनॉमिक्स एज अ साइंस में हम दो पार्ट इंक्लूड करते हैं. सो अगर हम बात करें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच होती है जहां पर हम रियलिटी की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि इंडिया में ऑयल जो है, जो क्रूड ऑयल है, उसकी शॉर्टेज है, तो वो क्या होगी, पॉजिटिव साइंस कि ये एक फैक्ट है, आप इससे डिनाई नहीं कर सकते, ये एक सच्चाई है. लेकिन अगर हम ये बोलें कि इंडियन इकोनॉमी को या इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि वो इस ऑयल की कमी को दूर कर सके, सो वो होता है नॉर्मेटिव साइंस. इसको हम लेटर स्टेज पे डिटेल एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे. अभी आपके लिए सिर्फ इतना ही समझना ज़रूरी है कि पॉजिटिव में हम एक रियल सिचुएशन की बात करते हैं, जबकि नॉर्मेटिव साइंस में हम एक आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं. तो आज हमने इकोनॉमिक्स का बेस स्टडी किया, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स, और इसी के साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच में डिस्टिंग्विश किया. सो फॉर मोर वीडियोस, आप हमारी वेबसाइट www.theextraclass.com पर भी जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा. और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट यू कैन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.